देखिए भाई देखिए, ये देहाती भौजी जो है इन दिनों वायरल चल रही हैं और कैसे डांस कर रही हैं। इनका डांस जो है कि सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाता है। 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको मजाक लग रहा है? आप मजाक बना के रखे हैं, बताइए, इसमें मजाक नहीं। हमारा नाम है देहाती भौजी, काहे से हम देहात कहें, यही से हमारे देहाती भौजी नाम। गनवा हमारा ना काढ़ी ले, गनवा तो पूरा निकल के आवा था, सारा लोग बना लेता तो हम और रील बना ले ले, तो मैं कौन दिक्कत ही बा? जैसा गाना आता वैसा हम लोग डांस कर लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़े हैं आप बताइए? देखिए भाई देखिए, ये देहाती भौजी जो है इन दिनों वायरल चल रही हैं और कैसे डांस कर रही हैं। इनका डांस जो है कि सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाता है और टीवी समाचार की टीम जो है देवरिया से चल कर आती है। इनका डांस ऐसा लगता है कि भोजपुरी के कोई हीरोइन नाच रही हैं। खैर, आजकल पूरे गांव में ऐसी औरतें हैं जो डांस करके रातों रात फेमस हो जा रही हैं, और इनकी डांस देखिए, इनकी डांस में वो लग रहा है कि भोजपुरी हीरोइन है। और इनका वीडियो जब देखे सोशल मीडिया पर, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के जो पत्रकार थे वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमें लगा कि ऐसे महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे समाज में गलत संदेश भी जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी संदेश जाना चाहिए। देहाती भौजी जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है देहाती भौजी, काहे से हम देहात कहें, यही से हमारे देहाती भौजी नाम रखा हुआ। देहाती भौजी, यही से नाम रखा गया है आपका? अच्छा, एक बात बताएं कि भोजपुरी पर लोग, महिला जितना बाड़ी, बच्ची जितना बाड़ी, वो भोजपुरी अश्लीलता के रंग में रंग गई वाली। चोली, घगरा, साया, समीज, ढोंढ़ी पर जितना गाना चलता वही पर महिला भी खूब खोली के ढोंढ़ी दिखाओ तल लो और खूब नाचा तल लो। तो आपकी वीडियो में भी तो चोली घगरा कुल चलता, ये अच्छा लगा था कि नहीं? गनवा हमारा ना काढ़ी ले, गनवा तो पूरा निकल के आवा था, सारा लोग बना लेता था, हम और रील बना ले ले, तो मैं कौन दिक्कत ही बा, बताई ना। कब से ये करती हैं? 2 साल हो गए, 3रा साल चालू बा। 2 साल हो गया, 3 साल, 3रा साल चालू है। हाँ, ये आपके परिवार के लोग हैं, आपके जो पति हैं, वो नहीं बोलते ऐसे करने? सब लोग बोलते हैं। हाँ। एक समय ऐसा था ना कि ऐसा लग रहा कि मेरा दुनिया में कोई है नहीं, क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ है, तो मैं सोचती हूँ मेरे लिए सब कुछ है। ये करने से आपको क्या मिलता है? हमको कुछ ना मिले, परिवार का प्यार मिलेगा, वही सब कुछ अच्छा है। परिवार का प्यार अब कहाँ मिल रहा है? आप जब ऐसे कर रही हैं, जब आप इसको थोड़ा लगा लीजिए, आप जब इस तरह डांस कर रही हैं, समाज को दिखा रही हैं अपना चेहरा, पहले के जो लोग थे, जो औरतें थीं, वो गांव में इधर उधर नहीं घूमती थी, चेहरा नहीं दिखाती थी, वो बूढ़ी होकर मर जाती थी, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर आप ढोंढ़ी चोली वाला गाना लगाकर पूरा देश में फेमस हो रही हैं, ये सही है या गलत है? जो लोग गाना निकालते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या ना। हमारा तो टाइम है भाई, हमको रील बनाना है, हमको कुछ करना है अपने पेट के लिए, तो करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है बताइए? आपके घर वाले खुश हैं, मतलब आप बना रही हैं? हमसे कोई खुश नहीं है। हाँ। हमसे कोई खुश नहीं है, क्योंकि हम बहुत बिगड़े हैं ना, वीडियो बनाते हैं इसलिए। हाँ। बनाना चाहिए, इसमें बिगड़ने वाली बात कहाँ से आता है, पहले ही बताइए। ये समाज में कैसा संदेश जा रहा है? मान लीजिए आप चोली घगरा वाली बना रहे हैं, ढोंढ़ी वाली बना रहे हैं, गलत होते हैं? हम नहीं होते हैं। आप गलत नहीं हैं? नहीं है गलत, हम तो सही है ना। जैसा गाना आता वैसा हम लोग डांस कर लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़े हैं आप बताइए? नहीं, हम नहीं पीछे पड़े हैं भाई, आप फेमस हो गई हैं इन दिनों, सोशल मीडिया पर आपका इंटरव्यू चल रहा है, वहीं पे है कि समाज में आपके जैसे महिलाएं बहुत हो गई हैं, आपको देखकर बच्चियां बच्चे सीखेंगे, ढूंढी दिखाएंगे, चोली दिखाएंगे और फेमस हो जाएंगे, ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, अमिताभ बच्चन की बहू हैं सूर्या राय, वो भी तो बनाती हैं वीडियो डांस वगैरह, वो वीडियो कहाँ बना रही हैं? वो तो फिल्म में हर जगह में वायरल है भाई, वो लोग कमा रहे खा रहे अपने पेट के लिए, तो उन लोगों के पीछे जाके पड़िए ना, भोजपुरी क्यों हमारा हक नहीं है जीने का? भोजपुरी हीरोइन भी ऐसे करती हैं क्या जैसे आप कर रहे हैं? बहुत सारे लोग, अक्षरा सिंह हैं, काजल राघवानी हैं, और बहुत सारे हीरोइन हैं, सब बहुत बड़े बड़े स्टार हैं लोग, उन लोग के पीछे पड़ जाइए। देखिए कमेंट आप पढ़ती हैं, उसमें कमेंट में आकर लोग कहते हैं कि भौजी के ढोंढ़ी लौकता, मतलब तमाम ऐसी चीज़ लोग कहे, बुरा लगत हुई कि ना? कहा इसे कैसे बुरा लगी हमके, थोड़ा मोड़ा आ जाला तो आ जाला, मजाक मस्ती चले ला, जिंदगी बता सब कुछ बा, कहा हमारे दहिया में सट जाता आके ना सटाता। अच्छा भौजी, लेकिन फिर भी हमारा परिवार हमारे साथे बने। आपका कौन सा चैनल है, क्या नाम है ये बताइए थोड़ा? मेरा नाम है बिंदु यादव जी, और इंस्टाग्राम फेसबुक चलता है। किस नाम से है? बिंदु यादव। बिंदु यादव के नाम से है। भौजी आगे भी ऐसे करती रहेंगी या बंद हो जाएगा? क्यों करेंगे नहीं, अपना पेट है तो पालेंगे नहीं। 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको मजाक लग रहा है? आप मजाक बना के रखे हैं, बताइए,
इसमें मजाक नहीं है, ये दिल रोता है, आत्मा रोता है जब वीडियो शूट करते हैं, तो कहने वाले तो कुछ भी कह के चले जाते हैं, बोलते हैं पागल हो गई है, लेकिन नशा चढ़ गया है उसका। लेकिन एक चीज़ है कि और फेमस आपको होना है तो चोली घगरा वाला और अश्लील, मतलब और अश्लील में जाना पड़ेगा आपको, ऐसे फेमस नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा और अश्लील दिखाएंगे, नहीं थोड़ा सा और अश्लील दिखाएंगे तो अब लगता है फेमस हो जाएंगे। हाथ पैर अपना जब अच्छे से टैलेंट लाएंगे अंदर से तो क्यों ना होंगे, होंगे, हमारा परिवार हमारे साथ रहेगा ना तो सब कुछ होगा, क्योंकि हमारा परिवार का ये है, सब लोग बड़े बड़े स्टार हैं तो परिवार की वजह से हैं, नहीं सही तो हम भी हो जाएंगे। देखिए